हेलो, स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, इस होमवर्क को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले तीन टाइप की जो हमारी रैगिंग्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 10 मिनट की वीडियो में बना पाऊँ अभी। तो टाइप्स कंप्लीट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मीनिंग याद है मैथ्स में क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट करते हैं। यहाँ पे से भी अपोजिट जैसे होता है, एक दूसरे की सब बातें एक दूसरे की, एक दूसरे की, जैसे कि एक दूसरे के लिए सर कोई इंग्लिश में वर्ड्स बताओ, ईच अदर, वन अनदर, तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है? जहाँ पर एक दूसरे की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात कर रहे हैं, यानी उल्टी बात कर रहे हैं। उल्टी मतलब रेसिप्रोकल समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल मतलब क्या है? इनवर्स, एकदम उल्टा। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस, ऐसे नाउंस को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत छोटा सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब समझता है, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। तो एक नहीं ले तो दूसरे को दे दो, दूसरा नहीं ले तो तीसरा ले लो, तीसरा नहीं ले तो चौथा ले लो। तो इनको बोलते हैं आइदर या फिर नाइदर। या तो तुम मेरे साथ चलो या दूसरा मेरे साथ चले, आइदर ऑफ यू, दोनों में से कोई भी। आइदर ऑफ यू मतलब क्या? आइदर ऑफ यू कैन कम विथ मी। अभी दो लोगों से बात किया जाऊंगी, दो तीन लोगों से, कि तुम में से जो भी आना चाहे मेरे साथ आ जाओ, यानी कोई भी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो करे एक तरह से, तुम नहीं तो तुम नहीं तो तुम, कोई भी आ जाओ मेरे साथ। एंड आइदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड, कोई भी लड़के टायर्ड नहीं, ना तो ये ना तो वो ना तो ये, यानी बहुत सारे लोग जब लोगों की बात हो रही होती है तो हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कोई दिक्कत ना हो ना, नहीं क्लियर हो ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? आइदर नाइदर, वर्ड्स याद करो। रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर ऑफ और नाइदर, है ना? रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियल सेंटेंस मेकिंग में भी काम में आते हैं, है ना? बहुत काम के हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? हो सकता है इसके लिए मैं आपको कुछ टाइम में, आपको अभी तो नहीं, हो सकता है कुछ टाइम में आपको इसके ऊपर अलग से क्लास मिले, अलग से आपके सिलेबस की नहीं होगी पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पर्पज से जरूर होगी। मैं आपके लिए अलग से इसके लिए बनाऊंगा कि कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले। सर क्वेश्चन वर्ड वाले यानी इंटरोगेटिव? नहीं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस अलग होते हैं। सर रिलेटिव में भी तो वही आ रहे हैं, हु हूज, हाँ वर्ड्स वही आते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, वो जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वो नाउन से पहले आते हैं। यहाँ पर जो वर्ड होते हैं नाउन के बाद आते हैं। कब आते हैं? नाउन के बाद, नाउन के बाद, लिखा नहीं यहाँ पे, बिल्कुल नाउन के बाद यूज किया, नाउन के बाद यूज करते हैं, ठीक है? तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? लाइक हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है? अभी छोटी सी वीडियो में मैं इतना ही समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज में बाद में कराऊंगा, ठीक है?